तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आप 3 मंथ्स में कोई भी कंपनी छोड़ सकते हो या विद इन 6 मंथ आप कोई भी कंपनी छोड़ सकते हो जब तक कि आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। अब किसी कंपनी में हो सकता है 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड हो, किसी कंपनी में 6 मंथ का हो, किसी कंपनी में 1 ईयर का हो, तो ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो क्या मैं उसमें बात करूँगा कि आप प्रोबेशन पीरियड में कोई भी कंपनी छोड़ सकते हो या फिर 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर कंपनी छोड़ सकते हो कि नहीं। तो देखो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि कोई भी कंपनी अगर होगी तो वो फ्री होता है, मतलब इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ कि आप कोई भी कंपनी कभी भी छोड़ सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी में आप जब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी लीगल अग्रीमेंट पे साइन कर देते हो या लीगल बॉन्ड पे साइन कर देते हो, उस केस में क्या होता है कि कंपनी ऑथराइज हो जाती है आप पे कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपने लीगल बॉन्ड किया है, लीगल साइन किया है वहाँ पे, तो ऑथराइज हो जाओगे वहाँ पे या कंपनी वो ऑथराइज हो जाती है कि आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकती है। बट स्टिल आपके पास चांस होता है कि आप छोड़ सकते हो, उस केस में आपको कंपनी को क्लियर बताना है इन द सेंस कि आपको कंपनी को रिजाइन डालना है। रिजाइन डाल के अगर कंपनी वो ऑप्शन दे रही कि नोटिस पीरियड आप बाई आउट कर सकते हो तो नोटिस पीरियड को बाई आउट करो, नहीं तो नोटिस पीरियड अगर नहीं बाई आउट कर सकते हो नोटिस पीरियड सर्व करो एंड इसके बाद पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कराओ, उसके बाद आप कंपनी को छोड़ सकते हो। बट अगर डायरेक्ट छोड़ना है कि आपको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना है, आपका 3 मंथ्स हुए हैं, आपको कल से छोड़ना है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुली वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहले केस में क्या था, अग्रीमेंट या बॉन्ड वगैरह पे साइन किया है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन कर चुके हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी अगर अग्रीमेंट या बॉन्ड पे साइन नहीं किया हुआ तो आप इजीली छोड़ सकते हो। बट स्टिल कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि आपको वो नोटिस भेज सकते हैं आपके परमानेंट एड्रेस पे, आपके घर पे, कि आपको वापस आके ज्वाइन करो, अदरवाइज ये आपका सेटलमेंट अमाउंट है तो वो सेटलमेंट अमाउंट आपको देना पड़ेगा। एंड अगर आप कल से भी नहीं जा रहे हो तो मेक श्योर आप जो नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो वो इसके डेट ऑफ एग्जिट के बाद हो, मतलब आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाए उसके बाद आप कोई नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपने ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कराया अपनी करंट कंपनी में तो फ्यूचर में वो सर्विस ओवरलैपिंग में कंसीडर होगा एंड आपको वो प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी आप छोड़ने को छोड़ सकते हो, कंपनी से बात करो, प्रोफेशनल रिजाइन डालो, ये सारा कुछ प्रोसेस करो तो इजी वे होता है किसी भी कंपनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट छोड़ दिया तो हो सकता है कंपनी आपके घर पर नोटिस भी भेज सकती है। नोटिस पीरियड बाई आउट कर लो, कुछ बात कर लो, मेडिकल रीजन अगर है तो वो दिखा दो, मल्टीपल वेज होते हैं सेम डे छोड़ने के। बट स्टिल अगर वो कंपनी नहीं मान रही तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।